छत्तीसगढ़ में बैक टू बैक जीत के बाद एक्साइटेड बीजेपी अब शहर सरकार बनाने की तैयारी में है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक लेंगे। तो आखिर क्या है बीजेपी का निकाय प्लान, जानते हैं। छत्तीसगढ़ में 4 महीने बाद निकाय चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, जो पार्टी की बड़ी बैठक लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। नितिन नबीन दौरे के दौरान मंत्री, विधायक, सांसद और मोर्चा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी तय करेंगे। निकाय चुनाव के मद्देनजर नितिन नबीन का अहम दौरा। नितिन नबीन सत्ता संगठन की लेंगे अहम बैठक, 3 महीने की कार्य योजना भी करेंगे तैयार। जनता को केंद्र राज्य सरकार की बताएंगे उपलब्धियां। किसान मोर्चा को किसानों को साधने दिया जाएगा टास्क। महिला मोर्चा महिलाओं के बीच गिनाएगा सरकार के काम। अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों को किया जाएगा एक्टिव। विधानसभा लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का पूरा फोकस शहर सरकार बनाने पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने बड़े नेताओं के मार्गदर्शन पर कार्य करती रहती है। माननीय नितिन नवीन जी का दौरा प्रस्तावित है और वो आ रहे हैं, तो प्रभारी के रूप में उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। और क्योंकि निकाय चुनाव सामने है, निकाय चुनाव की भी चर्चा होगी और जिम्मेदारियां तो बढ़ती हैं, जिम्मेदारियां बटेगी और काम तेजी के साथ होगा। नितिन नवीन के दौरे और निकाय चुनाव की तैयारी पर कांग्रेस अपने अंदाज में तंज कस रही है। नगरी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा जितने भी उठक बैठक कर ले, जिनको भी जिम्मेदारी दे दे, उनकी बुरी तरीके से हार होगी। कांग्रेस की पुनः यहाँ परिषद बनेगी। 8 महीने में ही शायद सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है। जो डबल इंजन का दावा किया जा रहा था, जनता उन्हें बिना इंजन की सरकार मान रही है। चाहे नितिन नवीन जी हो या कोई भी हो, बैठक करने से जनता को इस बार भरमा नहीं पाएंगे। कांग्रेस की पुनः परिषद बनेगी। छत्तीसगढ़ में निगमों में कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2018 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की। अब बीजेपी हर हाल में निगमों में अपनी हुकूमत जमाने की तैयारी में है और यही वजह है कि 4 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।